Assalamu alaikum everyone, this is Ahmed Zamir. Go grab your tickets for Parvaz-e Junoon, which is coming out this Eid ul Azha. ठीक हूँ, मुझे लगता है कि आपको अपना इलाज एक अच्छे नहीं बहुत बहुत अच्छे डॉक्टर से करवाना पड़ेगा। I'm sorry, आप अचानक सामने आ गई। अचानक? तो क्या मैं एम्बुलेंस का हॉर्न बजा के आती आपके सामने? I'm sorry again, मैं हेल्प कर दूँ। कर सकती हूँ मैं, वरना आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे मजबूर करने के लिए। क्या पेन हो रहा है? नहीं नहीं, मैं तो एक्टिंग कर रही हूँ ना यहाँ पे। देखें, आप हर बात को उल्टा जवाब दे रही हैं। मैं तो आपकी हेल्प करना चाह रहा था। बताएं कहाँ दर्द हो रहा है? घुटने में। मेरा ख्याल है हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए, हो सकता है कोई अंदरूनी चोट हो। मेरी रिंग कहाँ गई? क्या एंगेजमेंट की थी? नहीं नहीं, गोल्ड की थी। अम्मा तो मुझे जान से मार देंगी मेरी रिंग कहाँ गई। मगर यहाँ तो कोई रिंग नहीं है। देखे ना, यही होगी कहीं। आज का दिन ही खराब है, मैंने चोट लगा दी एक तो आपने, और इतना बड़ा नुकसान हो गया मेरा। क्या करूंगी अब? देखें, आपका जितना नुकसान हुआ है मैं पूरा कर देता हूँ। बताएं कितने की थी? आपको अंदाजा भी नहीं है आपने मेरा कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। I'm sorry, आप जहाँ जा रही थी मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, चलें। मुझे नहीं जाना आपके साथ, अब प्लीज जाए यहाँ से। प्लीज, मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना है। देखें, आपकी हालत ठीक नहीं है, प्लीज चलें। मान जाएं। वालेकुम अस्सलाम। बैठे भाभी, बड़े दिनों बाद चक्कर लगाए। तू तो जानती है मेरे ये घुटनों की दर्द कहीं जाने देती है। ये शमा कहाँ है? अपने कमरे में होगी। और ये क्या उठा लाई आप? आए इसीलिए तो शमा का पूछ रही थी। आए हलवा बनाया, फौरन मुझे शमा का ख्याल आया। आपको तो पता है कहाँ खाती है वो ऐसी चिकनाई वाली चीजें, बड़ा ख्याल रखती है वो अपनी स्किन का। हाँ, ये तो मैं भूल ही गई है, तुम लोग खा लेना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुनव्वर सुल्तान बड़े शौकीन है मीठे के, उनके लिए रख लेती हूँ। और सुनाए, तैमूर का काम कैसा चल रहा है? आए बस गुजारा ही है, बस तलाश में कहीं अच्छी सी जॉब मिल जाए। अच्छी जॉब भी तो अच्छी तालीम से आती है, खैर अल्लाह मालिक। अब आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। फजूल में इतना खर्चा कर दिया, नखरा देखो खाती नहीं है। शुक्र है इस दफा ये निकम्मा चीजें अच्छी ले आया। दफ्तारा लिपस्टिक है। अब तो 3 महीने के लिए छुट्टी। ये क्या है, मास्क? क्या खुशबू है, लगा के देखती हूँ। लगा रखा है मास्क? है मास्क, स्किन टाइट और फ्रेश करने के लिए। अच्छा,
जरा किचन में आके मेरा हाथ बटा दो, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं नहीं आ रही अम्मा, मेरे हाथ खराब हो जाते हैं। ओहो, क्या बनेगा तुम्हारा? तुमने अगले घर जाना भी है कि नहीं? कुछ खाना परो ना, सीख लो। मुझे कैसे वर्दी सीखने की? देख लेना, मेरे ससुराल वाले तो यूं आगे पीछे फिरेंगे मेरे। लड़की जितनी भी खूबसूरत हो, फिर भी उसे घरदारी आनी चाहिए। मुझे ना रैप ढक देता है अम्मा, और मैं तो शहजादी हूँ शहजादी, मजे करूंगी देख लेना। शहजादी जैसी नजर आने में और शहजादी होने में बहुत फर्क है मेरी बच्ची। हम जैसे घरों में शहजादों के नहीं, तुम्हारे अब्बा जैसों के रिश्ते आते हैं। कभी रीडर के तो कभी मीटर रीडर के। ओहो अम्मा, इस घर में किसी शहजादे का रिश्ता आए या ना आए, लेकिन किसी ऐसे का रिश्ता जरूर आएगा जो मुझे शहजादी बना के रखेगा। देख लीजिएगा, गुर्बत का दीमक हुस्न को खा जाता है। मेरी मिसाल तुम्हारे सामने है। मैं तो अल्लाह से दुआ करती हूँ कि तुम दोनों बहनों का नसीब बहुत अच्छा हो। गोरे रंग का दौर अम्मा कभी खत्म नहीं होता। अब वो गाना नहीं सुना आपने? ओहो, दिन का था। मैं तो बातें नहीं करनी, मुंह भी झड़ियां चली। बस बस यही रोक दो, मैं चली जाऊंगी। लेकिन आपका घर कहाँ पर है? वो तो नेक्स्ट स्ट्रीट पे है, लेकिन बस सही है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो मैं आपको वहीं पे ड्रॉप कर देता हूँ ना। आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? अगर किसी ने मुझे वहाँ देख लिया ना, तो मेरी शामत आ जानी है। ओह, I'm sorry। लेकिन आप चल लेंगी ना? अब ऐसी भी कोई टांग नहीं टूटी है मेरी जो चली ना पाऊँ। I'm sorry, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। लेकिन नेक्स्ट टाइम जरा आंखें खोल के गाड़ी चलाइए तो प्लीज। जी जरूर। सुने? जी। अपना ख्याल रखिएगा। आउच। क्या हुआ? आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, आप प्लीज जाए यहाँ से। Are you sure? Yes, please, आप जाइए। जी अब्दुल्ला साहब। इस वक्त कौन फोन कर? क्यों पकाता है ये मुझे इतना? हेलो, कैसी लगी चीजें? हाँ बस ठीक ही थी। तुम्हारे दिए हुए पैसे कम पड़ गए थे, इसलिए अपने डालने पड़े। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। क्या मतलब? भाई कमाल ही है ना, तुम्हारे जैसे ज्यादा बाहर कंगले की जेब से पैसे जो निकला। अब ऐसी बात भी नहीं, एक दफा अच्छी सी नौकरी लग जाए ना, फिर देखना कैसे तुम्हें ऐश करवाता हूँ। तुम तो दुआ करो कि तुम्हारा कोई प्राइस बॉन्ड निकला, तुम तभी मुझे मजे करा सकते हो। ये दौलत ही सब कुछ होती है, मोहब्बत नहीं? कम अज कम मेरे लिए तो नहीं है। अच्छा चलो बाय, बाद में बात करूंगी। डायरी तो उसी लड़की की लग रही है। मेरा कुछ हाथ ही बटा दो शमा, सुबह से फोन में लगी हुई हो। मैं भी नहीं बटा रही अम्मा, मेरे हाथ खराब हो जाते। मिस करा दिया, इतना अच्छा गेम खेल ली थी। अस्सलामुअलैकुम अम्मा। वालेकुमअस्सलाम। ये तुम्हें क्या हुआ? सुबह तो बिल्कुल ठीक थी। कुछ नहीं, ऐसी जरा सी चोट लगती थी। लो जी, काली तो पहले ही थी, अब लंगड़ी भी होगी। अल्लाह ना करे, हर वक्त उल्टी सीधी बातें मत किया करो।
छोड़े अम्मा, इसकी तो आदत है ऐसी फजूल बातें करने की। बेटा अगर ज्यादा दर्द है तो डॉक्टर के पास ले जाओ। नहीं नहीं अम्मा, मैं बस आराम करूंगी। अच्छा ये बताओ फीस भर दी है? जी अम्मा भर दी। अच्छा चलो जाकर तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। जाओ जाकर बहन के लिए दूध गर्म करो। मैं नहीं जा रही अम्मा किचन में, कल ही तो मैंने ताजा फेशियल कराया, खराब हो जाएगा। मैं नहीं जाऊँ। मरो तुम, यहीं बैठो। एक बात सुन लो मेरी, ससुराल में ये नखरे नहीं चलेंगे तुम्हारे। देख लेना अम्मा, तुम्हारी क्षमा का नसीब बड़ा ऊंचा होगा। ओ खुदा क्या करूं, किससे मदद मांगूं? मेरी फीस के पैसे चोरी हुए, रिंग गुम हो गई। अब्बा से तो पहले ही पैसे मिलने की उम्मीद नहीं थी, और अब अम्मा, उनको बताया तो बहुत गुस्सा होंगी मेरी लापरवाही पे। अब तो कोई मुआवजा हो तो हो, वरना उजाला भूल जा फाइनल एग्जाम्स को। कल आखिरी तारीख है फीस जमा कराने की, अब इतनी जल्दी और कहाँ से इंतजाम हो सकता है? सारी तैयारियां, सारे ख्वाब बिखर गए। मैं तो ठीक हूँ, मुझे लगता है कि आपको अपना इलाज एक अच्छा, नहीं नहीं बहुत बहुत अच्छे डॉक्टर से करवाना पड़ेगा। मुबारक हो, रिजल्ट निकला है तुम्हारे बच्चे का। है? पास हो गया क्या? हाँ, माशाल्लाह। हस्बे आदत तीसरी दफा मौसू फेल हुए हैं। क्या? हैरान क्यों हो रही हो? हैरान तो उस वक्त होती ना अगर वो पास हो गया होता। अच्छा वो गुस्सा तो ना करें। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम, जाओ जरा उजाला को बुलाओ। अरे रुको यहीं पर, कहाँ थे तुम? अब्बा वो बस इधर ही दोस्तों में था। कुछ खबर भी है तुम्हें? तुम्हारा रिजल्ट आ चुका है। हस्बे मामूद, तुमने बाप का नाम बहुत रोशन किया है। अरे मैं पूछता हूँ सारा साल तुम क्या करते रहे हो? अब आप आराम से बात करें, ब्लड प्रेशर हाई है। खामोश हो जाओ तुम, सब तुम्हारा किया धरा है कि ये इतना बिगड़ा है। आराम से भी तो बात की जा सकती है ना। अरे मैंने अपना आराम और सुकून बर्बाद करके दो दो नौकरियां करके इनको पढ़ाने की कोशिश की है, मगर इस नालायक को कोई एहसास ही नहीं। जवान बेटा है, कुछ जानवर थोड़ी है कि मारपीट करके अब सुधार लेंगे। अरे तुम्हारा ही सदाया हुआ गधा है ये। और तुम आज ये फैसला कर लो कि तुमने जिंदगी में करना क्या है। अब्बा मैंने आपसे कितनी बार कहा है मुझसे नहीं पढ़ा जाता है, मुझे कोई कारोबार करवा दें, किसी सीडीज की दुकान खुलवा दें या फोटो स्टेट की। वाह सुन रही हो तुम, वाह कारोबार भी चुना तो अपने जैसा। अरे मैं थक गया हूँ, अब खुद अपने हाथ पैर मारो और जो करना है करो। अरे मुझे अभी दो बेटियों की भी शादी करनी है। इस घर में रहने से अच्छा है बंदा रेलवे स्टेशन पर रात गुजार ले। अच्छा तो ठीक, निकलो निकलो अभी फौरन निकलो। आज इस घर में या तुम रहोगे या मैं रहूंगा। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे तुम यहाँ पे खड़े क्या कर रहे हो? निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाओ तुम यहाँ। जलाल जलाल बात सुनो मेरी जलाल। सर फाइल चेक कर, मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ रख दो। एक काम करो। जी सर। ये अकाउंट से पैसे लेना, आज ही बैंक में जमा करवा देना और फिर मुझे रिपोर्ट करो। ओके सर। न जाने मेरा बच्चा कहाँ कहाँ तक के खा रहा होगा। अरे इतना सख्त दिल बाप, उसे घर से ही निकाल दिया। ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता होगा। क्या है अम्मा, वो इतना बड़ा पहाड़ भी नहीं टूटा, क्यों इतना शोर मचा रही है? मुझे तो उसकी इतनी फिक्र हो रही है। कुछ नहीं होता माँ, कुछ नहीं होता। कर रहा होगा कहीं आवारा गर्दी, आवारा कहीं का। अब
परेशान नहीं हूँ। अरे कैसे ना परेशान हूँ, गुस्से का तेज है, कुछ ऐसा वैसा कर लिया तो बैठा होगा कहीं अपने दोस्तों के साथ, देख लीजिएगा कर रहा होगा कहीं आवारागर्दी, परेशान नहीं। चल भाई जलाल, आजा, बाजी लगी हुई है यार। यार जलाल हमेशा तो सारी बाजी ले जाता है। जलाल हूँ जलाल, हल्का लिया भाई क्या? आप कौन? मैं तबरेज। वो मेरी गाड़ी के साथ आप पे एक्सीडेंट हुआ था ना। Hi everybody, this is Kubra Khan. As you know, the Parvaz-e Junoon is releasing this Eid ul Azha. Go grab your tickets right now before it's too late, because you're going to really miss that if you don't watch the movie, and you don't want to do that. एक ही एक बेटा है मेरा, जरा सा ख्याल आया हो तुम्हारे अब्बा को उसका? तो अम्मा जलाल को कौन सा ख्याल है अब्बा का? अब्बा बेचारे इस उम्र में भी नौकरी कर रहे हैं, देखे ना बेटा। अगर उसे इस बात का ध्यान होता तो वो बाप से माफी मांगकर कब का घर वापस आ चुका होता। सांवली।